हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बनाने वाले, अगर आप फर्स्ट टाइम यूके आने वाले हो और बहुत सारे वीडियो सर्च कर रहे हो यूके के बारे में, तो बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज हम इसी के ऊपर बनाने वाले वीडियो, कल्चरल शॉक इन यूके। फर्स्ट टाइम जब हम यूके आए थे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें अटपटी लगती थी, या ऐसा लगता कि ऐसे कैसे हो सकता है, या हाँ ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग हैं यहाँ पे, तो आज हम उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाने वाले। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने रखे हैं, तो देखते कितने सारे कवर हो पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो तो हम दो पार्ट में बना देंगे, और अगर छोटा हो जाए तो इसमें डाल देंगे। सो आई बोलना शुरू करें तो फिर पता नहीं रहता, नहीं होता है, इतना टॉपिक है क्योंकि काफी सारे डिफरेंस है। लेकिन हम लोग प्रायोरिटी जो सबसे ज्यादा डिफरेंस फील करेंगे उसके ऊपर से शुरू करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। हाँ, और वो देखो जलीशा आगे चलेगी, उसको रोको। आज इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए, स्पेशली हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम यूके आने वाले हैं, और पहले से आप प्रिपेयर रहोगे, माइंड प्रिपेयर रहेगा कि यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें दिखने वाली है जो कि बिल्कुल अलग है इंडिया से। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ जानने वाले हो, और जो लोग नहीं भी आने वाले उन लोगों को भी जानकर अच्छा लगेगा इन सारे चीज़ों के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ यूके में रूल है कि जब भी आप रास्ता क्रॉस करेंगे आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, जहाँ पे अभी देखो वेट लिखा हुआ आ रहा है, ऑलरेडी किसी ने प्रेस करके रखा है। तो यहाँ पे हमें प्रेस करना है बटन, वेट लिखा आ रहा है, यानी कि हमें वेट करना है। और वहाँ पे देखो सिग्नल अभी रेड है, जब सिग्नल ग्रीन होगा तभी हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, उसके पहले नहीं क्रॉस करना है। और ये है मेन रोड, आप देख सकते हो यहाँ पे मेन रोड है, सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सिग्नल होगा ग्रीन तब हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे ये रूल है, इस तरीके से आप ऐसे ही रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते, इस तरीके से हर जगह ही बना रहता है, हर थोड़ी थोड़ी दूर में करके वेट करो, जैसे ही ग्रीन हो गया तो अब हमें क्रॉस करना है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है ऐसे रुके रहती है, और हमें जो है यहाँ से क्रॉस करना है रास्ता। चलो गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे रोड में साइकिल एंड लिखा है, यानी कि यहाँ पर से साइकिल रास्ता खत्म होता है, यहाँ से आप साइकिलिंग नहीं कर सकते। साइकिलिंग का रूट जो है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखो ये सारे साइकिलिंग रूट है, तो यहीं से आप साइकिलिंग कर सकते हो। ये देखो ये साइकिल रूट दिया हुआ है, तो आप इसी रास्ते से साइकिल, यहाँ पे रूल है साइकिलिंग का कि जब भी आपको साइकिलिंग करनी हो तो आपको साइकिलिंग पाथ में ही साइकिलिंग करना है, ऐसे ही कहीं भी नहीं कर सकते आप। जहाँ पे साइकिल का सिंबल दिया हुआ है जो मैंने अभी दिखाया, आप देख रहे होंगे वीडियो में, तो यहीं पर आप साइकिल चला सकते हैं। और जहाँ पे साइकिल एंड रूट दिया है वहाँ पर आपको स्टॉप करना होगा, वहाँ पे आप साइकिल नहीं चला सकते, वहाँ से आप पैदल क्रॉस हो जाओ थोड़ी दूर, और उसके बाद जहाँ फिर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फिर अगेन आप साइकिलिंग कर सकते हो। तो यहाँ यूके में ये भी एक रूल है कि आप ऐसे ही हर रास्ते में साइकिलिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर साइकिलिंग का पाथ दिया रहता है, आप वहीं पर अलाउड हो साइकिलिंग करने के लिए। आप जो पीछे मेरे रास्ता देख रहे हो, ये जो है इस रास्ते में गाड़ी अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप चाहे वॉकिंग, जॉगिंग, डॉग वॉक कर सकते हो, साइकिल भी चला सकते हो, लेकिन इस रास्ते में गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पूरे यूके में ही इस तरीके से रास्ते बने हुए होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ पैदल चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, या फिर साइकिल चला सकते हो, लेकिन इन रास्तों में गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती है। तो पहले ग्लव्स पहन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, एकदम है धूप लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा, जिस दिन धूप जिन निकलता है उस दिन यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे टॉयलेट्स में स्प्रे नहीं होता है, यानी कि नो जेट स्प्रे, यहाँ पे टॉयलेट में यूज़ करने के बाद यहाँ पे टॉयलेट में स्प्रेज नहीं होते, यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे लोग नॉर्मली टिश्यू ही यूज़ करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वैसे तो हमको हल्का फुल्का अंदाजा था कि यहाँ पे ऐसा ही होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, ड्राई होता है पूरा, हाँ, लेकिन ऐसे कोई हो जिसको कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इन सब चीज़ों का, तो बी प्रिपेयर कि यहाँ आने के बाद आपको पानी यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको टिश्यू टॉयलेट टिश्यूज ही यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे बाथरूम बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं रहता, आप फ्लोर में यहाँ पे पानी नहीं फेंक सकते, प्रॉपर जो शावर एरिया रहता है, स्टैंडिंग शावर या फिर बाथटब, वहीं पे आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी एरिया में आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, वॉश मशीन रहता है हाथ धोने के लिए, बट बाकी जगह में पानी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हालांकि अभी
ऐसे बहुत सारे, क्योंकि इंडियन फैमिलीज है यहाँ पे जिनको की आदत है विदाउट वाटर इनका चलता नहीं है, तो यहाँ पे शावर जो है मेरे ख्याल से मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है या कई जगह में ऐसे लोकल स्टोर्स है जहाँ जेट शावर ना, जेट शावर मिलता है जो कि इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के लिए लेके आ जाते हैं खरीद के, उसके बाद प्लम्बर को बुला के इंस्टॉल करने का अभी अभी मतलब कुछ या फिर स्टार्ट, या फिर अगर टेम्पररी चाहिए एक दो महीने के लिए तो फिर आप कोई मग्गा यूज कर लो सकते हैं वो। ये जो है ना ये सारी चीजें फनी लगती है लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें जो कि यहाँ पे आके लोग नॉर्मली प्रॉब्लम फेस करते हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमको आदत नहीं होती है ऐसे टिश्यू वगैरह यूज करने की, तो यहाँ पे आने के बाद इन सारी चीजों में ना बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा सा आदत मतलब हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार हैबिट बन गई उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर जब एक कोई भी एक दूसरे के साथ मिल रहा होता है तो फिर यहाँ का पैटर्न है कि यू आर ऑल राइट करके बोलते हैं, तो वो हमारे लिए एक नया था क्योंकि हम लोग हाय हाउ आर यू इस तरह से यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे राह चलते भी लोग पूछते हैं यू आर राइट ऐसे टाइप से पूछते हैं, तो हाँ भैया हम तो ठीक ही है हमें क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो वे ऑफ हेलो बोलने का तरीका है, मतलब वे ऑफ सेइंग हेलो है एक तरीके से रास्ते चलते में, अननोन लोग भी ऐसे जरूरी नहीं कि आप पहचानो, आप बस स्टॉप में या फिर बस ड्राइवर कोई भी या फिर कोई भी अगर फ्रेंड मिल जाए या फिर कोई भी कलीग मिल जाए वो हेलो आर यू ऑल राइट ऐसे करके बोलेंगे, तो आप आर यू ऑल राइट को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यू ऑल राइट ऐसे टाइप से, तो फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि क्यों बोल रहे हैं, तो हम तो ठीक है लेकिन फिर भी समझ में आया कि हाँ ये एक तरीके से हेलो बोलने का तरीका है यहाँ। तो नॉर्मली प्रोसेस है कि आप रिस्पॉन्ड करें, उसमें रिस्पॉन्ड करके आप बोले कि आई एम गुड एंड यू या फिर एंड हाउ अबाउट यू, इस तरह से आप रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, चाहे आप उनको पहचानते हो चाहे वो कोई अननोन पर्सन हो तो भी आप उनको रिस्पॉन्ड जरूर करें, तो ये एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है जो लोग राह चलते लोगों को भी पूछते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे लोग प्लीज सॉरी एंड थैंक यू बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर चीज में ही प्लीज सॉरी एंड थैंक यू फॉर्मल है, हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज में अगर थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो प्लीज सॉरी थैंक यू यहाँ पे ये हैबिट में है, तो ये चीज अगर आप आ रहे हो और अगर आपसे कोई ऐसे इस तरीके से हल्का सा टच हो जाए टकरा जाए या कुछ भी है आप उनको थोड़ा सा रास्ता दे रहे हो जाने के लिए तो भी आपको वो थैंक यू बोलेंगे या प्लीज या सॉरी, मतलब ये पैटर्न मतलब फॉलो ही होता है, इवन ये एक कल्चर में यहाँ पर इवन बच्चों में भी ये कल्चर दिया जाता है, अगर वो कोई थैंक यू या सॉरी नहीं बोल रहा है तो फिर उसके पेरेंट्स भी उसको बोलते हैं कि ये फॉलो करो, वेर इज योर थैंक यू वेर इज योर सॉरी, तो फिर अगर कोई दूसरा पेरेंट उसको कुछ फ्रूट या फिर कुछ भी चॉकलेट दे रहा है तो फिर थैंक यू या सॉरी अगर कुछ में प्रॉब्लम हुआ तो ये यहाँ का कल्चर है जो कि हर बच्चे हर बड़े में हर बूढ़ों में सब में ये रहता ही है, हर कोई बोलता है। शॉप्स का यहाँ पर अलग ही पैटर्न है, शॉप्स का है कि नॉर्मली इंडिया के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में लोग ऑफिस आवर के बाद फिर शॉप्स या फिर खाना वाना ये सब जाना पसंद करते हैं क्योंकि उसके पहले टाइम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर शॉप्स को भी नॉर्मल एक ऑफिस की तरह ही कंसिडर किया जाता है, तो नॉर्मली जैसे ऑफिस 5 या 6 बजे के बाद बंद हो जाता है उस तरह से यहाँ पर शॉप्स भी उसी टाइम में बंद हो जाते हैं, तो मेक श्योर आप अगर कोई क्लॉथ शॉप या फिर कोई भी दूसरे तरह का अगर ग्रॉसरी या कुछ भी शॉप अगर जाना चाहते हैं तो फिर आप उस टाइम को फॉलो करें, या फिर ग्रॉसरी में नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ग्रॉसरी में मैक्सिमम आपको सुपरमार्केट ही मिल जाएगा, सुपरमार्केट नॉर्मली आपको 8 से 10 बजे तक ओपन रहते हैं, और अगर उसके बाद भी अगर आपको अचानक से कोई सामान खरीदने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर काफ़ी नाइट शॉप्स भी रहते हैं, वो नॉर्मली एशियंस के ही नाइट शॉप रहते हैं, तो वो नाइट शॉप में भी आप जा सकते हैं, वो नॉर्मली 11 बजे तक खुले रहते हैं। हाँ यहाँ पे मैक्सिमम 6 बजे तक मैक्सिमम सारे शॉप्स क्लोज हो जाते हैं, और कुछ कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स जो जैसे सेंसबरी है टेस्को है एल्डी है या फिर मॉरिसन है एसडा है ये सारे जो है मेरे ख्याल से 8 बजे तक या कुछ 10 बजे तक भी रहता है खुले, तो यहाँ पे आप नॉर्मली ग्रॉसरीज वगैरह जाके ले सकते हो, वीकेंड एक्सेप्शनल है, वीकेंड में तो और जल्दी क्लोज हो जाता है। हाँ तो नॉर्मली जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे तो हमारे यहाँ तो भैया इंडिया में शाम को 5 बजे के बाद सारे शॉप्स खुलते ही हैं, और मतलब दिन भर भी जो खुले रहते हैं या फिर कुछ पैटर्न है 5 बजे के बाद तो पूरा चहल पहल शुरू हो जाता है, रात के 8-9 बजे भी आप शॉप्स में जाओ तो खुले मिलते हैं, 10 बजे 11 बजे तक भी शॉप्स खुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, शाम को 5-6 बजे तक मैक्सिमम सारे ही मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कर्फ्यू लग गया है, सारे शॉप्स क्लोज, सब लोग अपने अपने घर में, कोई बाहर भी नहीं दिखेगा, स्पेशली ठंड का मौसम हो तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे लोग।
नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल. तो यहाँ पर नॉर्मली ठंडा का जगह है तो नॉर्मली लोग अल्कोहल्स पीते ही हैं, और यहाँ पर अल्कोहल को उतना कोई खराब नहीं माना जाता है. नॉर्मली वाइन, विस्की, शैम्पेन, ये सब तो बीयर, गर्मी के मौसम में बीयर लोग बीयर, जैसे हम पानी पीते हैं, यहाँ के लोग बीयर पीते हैं. तो सुबह सुबह चालू हो जाते हैं भाई हम तो यहाँ पे, मतलब सुबह हम लोग कई बार देखे कि हम सुबह उठ के नाश्ता पानी करते हैं, यहाँ के लोग बीयर से स्टार्ट करते हैं, कई बार ऐसा भी हमने देखा. लेकिन खराब नहीं माना जाता है, वो नॉर्मली बच्चों के साथ ही लोग या फिर अलग से सेलिब्रेट करने के लिए पीते हैं. और यहाँ पर हर सुपर मार्केट में आपको या फिर नाइट शॉप में आपको ये ड्रिंक्स मिल जाएंगे. आपको सिर्फ सुपर मार्केट में तो अपने हिसाब से आप पसंद कीजिए. एक अलग से बड़ा सेक्शन भी होगा, वो सेक्शन भी अगर कभी हम लोग सुपर मार्केट का कोई वीडियो बनाए तो वो आपको दिखा देंगे. वहाँ पर आप खुद से हिसाब से जैसे नॉर्मली आप सब्जी भाजी लेते हैं या ड्रिंक्स मिलता है, ड्रिंक भी आप उसके साथ डाल लें. और सारे ही सुपर स्टोर्स में अवेलेबल रहते हैं. बट अगर कोई ऐसा है जो 18 इयर्स से कम का है, तो फिर अगर मतलब वो देख के समझ जाते हैं फेस कि 18 साल का है या नहीं, तो वैसे केस में आपको आइडेंटिटी मतलब आईडी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 18 साल से कम है, तो फिर आपको नहीं अलाउड. क्योंकि हम लोग जब ड्रिंक विंक डालते हैं अपने कार्ट में या फिर अपने ट्रॉली में, उसके बाद जब हम लोग बिल करना जाते हैं तो वहाँ पर वो ड्रिंक ऑलरेडी शो होता है. तो उसमें हम लोग को एक अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. तो वो अगर आप 18 ईयर से कम है तो आप अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देते हैं उसको. तो यहाँ पे नॉर्मली मतलब अल्कोहल, क्योंकि ठंड का जगह है तो बॉडी को हीट रखने के लिए अल्कोहल लोग नॉर्मली हल्का फुल्का लेते हैं. किसी भी चीज का मतलब एक्सेस सही नहीं होता है, तो यहाँ पे भी लोग अपने हिसाब से ही अपने अच्छा भला समझ के यहाँ पे कंज्यूम करते हैं. और बाकी बाहर आप यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से ड्रिंक पी सकते हैं या फिर वॉक करते हुए भी ड्रिंक पी सकते हैं, अनलेस अगर कहीं पे लिखा हुआ है. अगर कहीं लिखा है कि यहाँ पे ड्रिंक अलाउड नहीं है तो उस जगह में नॉर्मली मतलब नहीं पीना रहता है. अदरवाइज यहाँ पे मैक्सिमम लोग राह चलते भी लोग बियर वगैरह या इस तरीके का लेके पीते पीते जाते हैं. और इवन यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव भी 1% तक अलाउड है, मतलब उसका कुछ अल्कोहल का परसेंटेज है कि आप उतना तक पी सकते हो और उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हो, वो मतलब इस तरीके का रहता है. अदरवाइज ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो नॉर्मली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर वॉक प्रेफर कीजिए. तो उसका भी मतलब इस तरीके का स्पेसिफाइड रहता है. तो अपने हिसाब से रूल्स के हिसाब से ही लोग यहाँ पे चलते हैं. फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो हम जब नॉर्मली क्या फ्रेंच फ्राइज खरीदने जाते हैं हम लोग, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, तो यहाँ पे लोग फ्रेंच फ्राइज नहीं बोलते हैं उसको, यहाँ पे उसको बोलते हैं चिप्स. और यहाँ यूके में फ़िश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा फेमस है. तो यहाँ नॉर्मली फ़िश एंड चिप्स यानी कि फ़िश फ्राई और साथ में चिप्स, चिप्स यानी कि फ्रेंच फ्राइज को यहाँ पे चिप्स बोलते हैं. नॉर्मली थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके पोटैटोस को उसको लोग फ्राई करते हैं बॉयल करने के बाद, तो वो थोड़ा सा बाहर जैसे फ्रेंच फ्राइज वैसा ही रहता है, बस थोड़ा सा मोटा रहता है. तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज अगर आप जाके बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा और हो सकता है आपको टोक भी दे. तो यहाँ क्योंकि, पे क्योंकि वो फ्रेंच फ्राइज है, वो फ्रेंच लोगों का है. लेकिन ब्रिटिश लोग फ्रेंच लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए उन लोगों ने अपना अलग नाम दिया है चिप्स. और यहाँ पर नॉर्मल जो ये अपना पोटैटो चिप्स जो रहता है नॉर्मल पैकेट के अंदर वाला, वो क्रिस्पी कहते हैं, क्रिस्पीज कहते हैं उसको. और यहाँ पे लोग नॉर्मली 5 से 6 बजे शाम के अंदर ही डिनर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते. यहाँ पे 5 to 6 PM के बिटवीन ही लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे डिनर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से 7 मैक्सिमम 8 बजे तक सो जाते हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं. बहुत कम ही लोग हैं जो जागते हैं इतना लेट तक. तो ये कॉन्सेप्ट है लोगों का कि अर्ली टू ईट, अर्ली टू बेड और उसके बाद फिर अर्ली टू वेक अप. यहाँ पे लोग इवन 4 बजे 5 बजे भी उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और ऑफिस वगैरह जाते हैं. सब कुछ जल्दी होता है, मतलब नॉर्मली 3 से 4 बजे के बीच लोग ऑफिस से निकलना शुरू कर देते हैं. रीजन भी है ना, क्योंकि यहाँ ठंड के मौसम में 3 बजे अंधेरा हो जाता है, तो लोग जाग के भी क्या कर लेंगे, तो इसलिए 3 बजे अंधेरा हो जाता है ठंड के मौसम में, तो जल्दी खाओ पियो सो जाओ और सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ. तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैक्सिमम 5-6 बजे के अंदर ही डिनर कर लेते और उसके बाद सो जाते. क्योंकि हम लोग भी बहुत समय ऐसा शुरू शुरू आए थे तो शॉक्ड हो गए थे जब जलीशा के साथ भी कुछ उसकी फ्रेंड्स खेलने आती थी. इवन यहाँ अभी भी जैसे स्कूल में पूछते हैं ना कि आप लोग डिनर कितने बजे करते हो या जलीशा सोती कितने बजे, तो जब हम उनको अपना टाइम बताते तो लोग हैरान हो जाते इतना लेट. तो भैया हम इंडियन क्या करे, वो आदत तो जा नहीं सकती. हम इतना जल्दी नहीं सोते. नॉर्मली 6 बजे तक खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं और 8 बजे तक शाम को 5-6 बजे तो हमारा मतलब स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स का टाइम रहता है. यहाँ के लोग डिनर कर लेते हैं.
सो यहाँ पे नॉर्मली मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि कोई कर्फ्यू लगी हुई है रोड में, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा लगेगा रास्ते में कोई क्यों नहीं दिख रहा है। तो शुरू शुरू में जब यहाँ पे हम आए थे तो हमको ऐसा लगता था कि कोई कर्फ्यू लगी हुई है, कि रास्ते में इतने कम लोग क्यों है। तो फिर बाद में धीरे धीरे रहते रहते पता चला कि यहाँ पे यही कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही कम है तो रास्ते में लोग भी कम ही दिखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्राउड क्यों नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मतलब नॉर्मली ऐसा ही है, रास्ते में लोग कम ही दिखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दिखते नहीं है कभी भी। नो हॉर्न जोन है पूरा यूके, तो यहाँ पर अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या फिर आपको किसी को अलर्ट नहीं जनरेट करना है तो फिर हॉर्न मैंने कभी सुना भी नहीं है बजाते, तो यहाँ पर हॉर्न नॉर्मली बजाते नहीं है कोई। और उसके ऊपर भी ड्राइविंग रूल्स में ये रेस्ट्रिक्टेड है कि रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक आप ऐसे भी हॉर्न नहीं बजा सकते। तो नॉर्मल टाइम में भी हॉर्न अलाउड नहीं है अनलेस आपको कोई ज़रूरत नहीं, किसी को अलर्ट नहीं देना है उस हिसाब से। तो काफ़ी सारी टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, बहुत सारी टॉपिक और भी बचे हुए हैं, बट अगर एक ही वीडियो में हमने डाल दिया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो को पार्ट पार्ट में डालेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। कुछ टॉपिक्स हमने इस वीडियो में डाले और बाकी के टॉपिक्स जो है हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। आप लोगों को कुछ बोल दो, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो आए तो फिर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हाँ, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसने अपने टोपी को डॉल को पहना के रखा है, टोपी पहनो बेटू, बहुत ठंड है, हवा चल रही बहुत ज्यादा, डॉल को ठंडा लग रहा है, डॉल को पहना के रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।